स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ इंडियन स्टैटिक्स एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी पीजीटी में पूछा है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसके पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन स्टैटिक्स में हम लोग दो चीज़ यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे पहले इंडियन स्टैटिक्स में क्या प्रॉब्लम है और फिर स्टैटिक्स में क्या प्रॉब्लम है, मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। अब इंडियन स्टैटिक्स में बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है नहीं, ठीक है। एक स्पीच है जो कि अवेलेबल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ ही साथ जो मेन स्टैटिक्स में प्रॉब्लम है वो भी पढ़ें, तब जाके आपका ये जो आंसर है जो पढ़ाई है वो पूरा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसे स्टडी करना है, अब उसको स्टार्ट करते हैं। और पार्ट वन में मैंने जो वीडियो बनाया है वो ड्रॉबैक ऑफ इंडियन स्टैटिक्स का बनाया है, और पार्ट टू जो आप देखोगे उसमें आपको सजेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट वन में सजेशन नहीं है, पार्ट टू में सजेशन है। अगर डायरेक्ट सजेशन देखना है तो पार्ट टू देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर सुभा राव हैज़ गिवन एन एक्सेलेंट स्पीच ऑन द लिमिटेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स सिस्टम। ही हैज़ फाइव प्रॉब्लम। तो देखिए, डॉक्टर सुभा राव जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने एक स्पीच दिया है कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। तो उनके स्पीच को एक लैंडमार्क मान लिया गया है, और इंडियन जब भी कोई क्वेश्चन आता है इंडियन स्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स को लेके, तो लोग इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं पूरा स्पीच पढ़ के सुनाऊँगा, समझाऊँगा, प्लस इसके अलावा जो नॉर्मल स्टैटिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, जो यूनिवर्सल स्टैटिक्स में प्रॉब्लम है, वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये है कि कंटेंट आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डाटा रिविज़न, मेजरिंग द इकोनॉमी रिमेन्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड द डाटा अनसर्टेनिटी इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। डाटा रिविज़न आर द लेगमिनेट पार्ट ऑफ स्टैटिकल कंप्लीशन एंड डिसमिनेशन। हाउएवर हेयर इज अ इंडिया डाटा रिविज़न एंड द सिस्टमेटिक बायस इन डेटा रिविज़न आर मोर फ्रीक्वेंट एंड कॉमन प्लेस। मोस्ट इकोनॉमिक्स हैव टू बी कंटेंट विद द अनसर्टन फ्यूचर। हेयर इन इंडिया वी आर हैविंग अ कंटेंडेड विद द अनसर्टन पास्ट एज वेल। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इकोनॉमिक्स ने बताई है, मतलब हमारे आरबीआई गवर्नर ने बताई है, वो है डेटा रिविज़न। डेटा रिविज़न होता क्या है? एक ही डेटा बार बार दिखाने को डेटा रिविज़न कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम देखा गया है कि स्टैटिकल डेटा जो है उसी डेटा को बार बार दिखाया जाता है, जिसके वजह से हो सकता है कभी डेटा बढ़ जाता है, ठीक है। कोई भी, अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर हमको पता है कि एक लोकेशन पे 1,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। उसके वजह से होता क्या, उसी एरिया में दूसरा बंदा भी जाके डेटा कलेक्ट करके चला जाता है। तो बार बार डेटा अगर कलेक्ट करोगे एक ही लोकेशन का, और जाके वहाँ पे आप जमा कर रहे हो जहाँ पे डेटा सारा इकट्ठा हो रहा है, तो डेटा रिविज़न तो होगा ही। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में डेटा रिविज़न, क्योंकि जो स्टैटिक्स, जो डेटा जो लोग कलेक्ट करते हैं वो इसको सीरियस नहीं लेते हैं। वो बस गए, डेटा कलेक्ट किया, नहीं हुआ तो अपने से बना के दे दिया। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेटा रिविज़न का मतलब मेन कारण है कि हम लोग स्टैटिक्स के डेटा को जब एक तरीके से इकट्ठा करते हैं तो हमारा तरीका गलत है, तरीका गलत है, हम सीरियस नहीं है, इसीलिए इंडिया में डेटा रिविज़न की प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन मेजरमेंट। करेंटली द WPI इन्फ्लेशन इज इन नेगेटिव टेरिटरी, अ साइन दैट कुड वी मिस रिप्रेजेंट एज अ इकनॉमी बींग इन डिफ्लेशन इवन वेन देयर इज नो कंसनट्रेशन इन द एग्रीगेट डिमांड
While the inflation rate for the 4 CPI are in the range of 9 to 10%. अब इसमें क्या बता रहा है, इन जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उल्टा है। क्यों उल्टा है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन दिखता भी है और कहीं कहीं इन्फ्लेशन के डेटा भी गलत आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो रिप्रेजेंट गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिफ्लेशन की स्थिति बनती है तब भी हम इन्फ्लेशन का डेटा दिखाते हैं, क्यों, गलती है डेटा कलेक्शन में, ठीक है। जो हमारा WPI इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव है और जो हमारा नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है 9 to 10%। तो यही दिखा रहा है एक तरीके से कि किस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन मेजरमेंट है इंडिया में, इन्फ्लेशन मेजरमेंट सही तरीके से नहीं है। फिर से वही बात कि हम लोग सीरियस नहीं हैं अपने इन्फ्लेशन मेजरमेंट को लेके, क्योंकि डेटा कलेक्शन में हम लोग जब हायरिंग करते हैं जिनको भेजते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, सबसे लो लेवल हायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा कलेक्शन अगर सीरियस बंदे को हायर करके भेजा जाए तो हो सकता है ये सही हो जाए, ठीक है। तो सजेशन अभी नहीं चल रहा है, अभी केवल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, सजेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ऑन द लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। अब इसमें क्या है, जो बिजनेस साइकिल का जो इंडिकेटर है वो भी हमारे पास गलत आता है, क्यों, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो सही डेटा हमें बिजनेस साइकिल का नहीं देते हैं, ठीक है। उनको भी डर रहता है कि कहीं हम सही डेटा देंगे तो हम टैक्स हमको ज़्यादा ना पे करना पड़े, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमको परेशान ना करें, तो ये बिजनेस साइकिल का भी जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल साउंडनेस इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल साउंडनेस इंडिकेटर्स भी हमारे यहाँ गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल साउंडनेस इंडिकेटर का मतलब क्या है कि हम कितना ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है, तो ये कोई दिखाना ही नहीं चाहता, ऑन पेपर लोग दिखाना नहीं चाहते अपने इनकम को, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम इंडिया में आती है कि जो स्टैटिकल डेटा हमारे पास आता है वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट। फाइनली आई केम टू मेजर द ग्रिप ग्लोबली ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन सेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ रिलायबल नेशन वाइड स्टैटिक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमारे गवर्नर साहब का कहना भी है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो सिंपल सी बात है डेटा देख के ही बनाते हैं, लेकिन जब डेटा ही परफेक्ट नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे परफेक्ट बनेगी, क्योंकि हमारे स्टैटिकल डेटा ही गलत हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, डेटा ऑन अ फैक्ट्री सेक्टर, डेटा ऑन द फैक्ट्री सेक्टर एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल फ्रॉम द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री बट विथ अ लार्ज लैक दैट मेक्स इट वर्चुअली अनलेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पर्पस। अब डेटा जो हमारे पास कलेक्ट है वो फैक्ट्री का जो हमारे पास होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है, तो पूरे 12 महीने में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब लेके नए जॉब के लिए आते हैं, तो ऐसा कोई अपडेट डेटा हमारे पास नहीं है। तो साल भर का जो डेटा हमको बाद में मिलता है वो डेटा बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है, इसके वजह से पॉलिसी सही तरीके से नहीं बन पाती हैं। फार्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट डेटा आर ऑल्सो अवेलेबल टू द पुअर फ्रीक्वेंसी एंड विथ लॉन्ग लैग। मतलब क्या हुआ, जो फार्म सेक्टर मतलब जो फार्मर्स के जो डेटा हमारे पास हैं वो भी बहुत दिन पे कलेक्ट किए जाते हैं, 5 साल 10 साल पे, तो 10 साल 5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जिसके वजह से उनके लिए परफेक्ट प्लानिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि डेटा ही देख के प्लानिंग की जाती है और डेटा ही गलत है तो प्लानिंग कहाँ से होगी, यही बात है। बट इन इंडिया डेटा ऑन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कवर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, वहाँ के जो डेटा हमारे पास हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कलेक्ट किए जाते हैं,
तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फोन जाके अपना रिज्यूम जमा कर रहा है कि हमें जॉब की ज़रूरत है, तो वहाँ का भी डेटा सही लगता है। चलो ठीक है, लोगों को जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से अब जॉब के लिए सोचा जाए। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको जिसके वजह से एक अच्छी पॉलिसी नहीं बन पाती है, ठीक है। अगेंस्ट द ड्रॉबैक, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन विल इन्हांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स इन द इकोनॉमी एंड देयर बाय इम्प्रूव द कंडक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो भी गड़बड़ है हमारे पास, ठीक है, जिसके वजह से हम इन्फ्लेशन को समझ नहीं पाते हैं कि इन्फ्लेशन कितना जल्दी से इकोनॉमी में चेंजेस ला रहा है, और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई फिक्स पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। तो अपडेट रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो अपडेट नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, जिसके वजह से सही प्लानिंग नहीं बन पाती इंडिया में। और हमारे पास प्लान बहुत हैं, लेकिन कब कौन सा प्लान लगाना है वो कंफर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि डेटा ही नहीं है, तो आप कैसे प्लान लगाओगे। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने बताया है। अब आते हैं मेन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। अब एज अ यूनिवर्सल देखा जाए, ओके, एग्जाम में भाई आपके सिलेबस में तो इंडिया लिख के दे दिया है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपसे यूनिवर्सल इकोनॉमिक स्टैटिक्स का प्रॉब्लम पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम आती है स्टैटिक्स में, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, तो इसको आप छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है, इसको भी कवर कर लीजिए, 7-8 पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। द स्टैटिक मैटर डज नॉट स्टडी द नेचर ऑफ द फेनोमेना विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म। सम फेनोमेना कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टैटिक्स, दिस इंक्लूड्स हेल्थ, रिचेस, इंटेलिजेंसी एक्सेट्रा। इट नीड कन्वर्जन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इंटू क्वान्टिटेटिव डाटा, सो द एक्सपेरिमेंट आर बींग अंडरटेकन टू मेजर द रिएक्शन ऑफ मैन थ्रू डाटा। नाउअडेज स्टैटिक्स इज यूज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एज वेल एज यूनिवर्सल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्टैटिक्स में दिक्कत क्या है, कि स्टैटिक्स में हम केवल वही डेटा जो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, ठीक है, जिसको हम नंबर्स में जिसको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं खाली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारे क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव मतलब जैसे इंटेलिजेंस को देखना, रिचनेस को देखना, हेल्थ को देखना, ये सब नंबर्स में कन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, कि एक आदमी का हेल्थ कितना परसेंट अच्छा है, तो ऐसा तो परसेंट में तो हम बता नहीं सकते। तो यही मेथड की ज़रूरत है कि जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं उसको क्वांटिटी में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो स्टैटिक्स में उसको कलेक्ट करने में इजी हो जाए, ठीक है, यही चीज़ नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी वाली चीज़ें हैं, जो नंबर्स वाली चीज़ें हैं, उसको नोट करके चले आते हैं, ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों को हम नोट नहीं कर रहे हैं जो क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप बहुत बड़ा डेटा छोड़ दे रहे हो, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, इसीलिए स्टैटिकल डेटा को बहुत ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता है। इट डज नॉट डील्स विद द इंडिविजुअल्स आइटम। इन केस ऑफ इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर हॉरिक स्क्रेटिक, बाय एस्थेटिक्स वी मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट एंड प्लेस अ रिलेशन टू ईच अदर। That statistics deals with only the aggregates of the fact itself and it does not recognize the individual item. Thus, individual item as the death of 6% in an accident, 85% result of a class of a school in a particular year will not amount to the statistics as they are not placed in the group of the similar item. It does not deal with the individual items, however important they may be. तो यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम बताई जा रही है प्रोफेसर हॉरेस के द्वारा भी, कि स्टैटिक जो है वो इकोनॉमी एज अ होल एग्रीगेट पे डील करता है, एग्रीगेट पे डील करने के कारण जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो छुप जाती हैं, ठीक है,
इंडिविजुअल आइटम पे हमारा फोकस नहीं रहता, हम इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं, यहाँ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल आदमी की जो प्रॉब्लम है उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल डेटा नहीं है किसी का। ठीक है, 6 लोग एक्सीडेंट में मर गए, कैसे मर गए इससे कोई मतलब नहीं है, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो डेटा आएगा वो आएगा साल भर में कितने लोग का डेथ हुआ, तो हमने देखा 0.5% एक्सीडेंट से मर रहे हैं, बस खुश हो गए, ये बड़ा अच्छा स्टैटिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल डेटा अगर हमारे पास रहे तो हम उस पर वर्क करें, तो इंडिविजुअल चीज़ों पर स्टैटिक्स डील नहीं करता, स्टैटिक्स डील करता है एग्रीगेट पे। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टैटिक्स के साथ। थर्ड है, इट डज नॉट डेपिसिट इंटायर स्टोरी ऑफ द फेनोमेना। व्हेन एवरी फेनोमेना हैपन्स दैट इज ड्यू टू मेनी कॉजेस बट ऑल द कॉजेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डेटा, सो इट कैन नॉट रीच एट द करेक्ट कंक्लूजन। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप डिपेंडेंट अपॉन मेनी सोशल फैक्ट्स लाइक पेरेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, कल्चर, रीजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, बट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी प्लेस इन द डेटा, सो वी एनालाइज ओनली दैट डेटा वी क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली नो क्वान्टिटेटिवली, सो रिजल्ट ऑफ कंक्लूजन आर नॉट 100% करेक्ट बिकॉज मैनी एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो केवल क्वांटिटी वाला है, क्वालिटी वाला तो है नहीं, तो हम 100% डेटा हमको मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से हम 100% रिजल्ट देंगे। ठीक है, क्वालिटी वाले मिल रहा है, क्वालिटी वाले के हिसाब से सारी प्लानिंग चल रही है, क्वांटिटी वाले के सारी प्लानिंग चल रही है, क्वालिटी वाला डेटा मिल नहीं रहा है। क्वालिटी वाला डेटा का मतलब यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया, पेरेंट्स इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एजुकेशन क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है गवर्नमेंट का, ये सब आपका आता है क्वालिटी में। ठीक है, तो क्वालिटी वाला डेटा हमारे पास आ नहीं रहा है, हम क्वांटिटी को ही 100% मान के डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक है इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स। अब आते हैं फोर्थ, इट इज़ लाइबल टू बी मिसकंडक्ट। W.I. King point out one of the shortcomings of the statistics that do not bear on their face the label of their quality. So we can say that we can check the data and procedures of its approaching to the conclusion. But these data may have been collected by inexperienced person or they may have been dishonest or biased. As it is a delicate science and can be easily misused by unauspicious person, so data must be used with a caution, otherwise result may prove to be disastrous. यहाँ पे सिंपल सा बात जो भी हमने आपको पहले बताया था कि जो डेटा कलेक्शन वाला बंदा है वही अनएक्सपीरियंस है, वो केवल पैसा कमाने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है कि जल्दी जल्दी कलेक्ट कर ले, जल्दी जल्दी पैसा ले रहे हैं। तो ये जो मिसयूज जो हो रहा है, ठीक है, वो इनके द्वारा भी हो रहा है। अब इनको भेजा गया प्राइमरी डेटा लेने के लिए और वो गए प्राइमरी डेटा लेने के लिए, उनको लगा भाई अब गाँव में कौन जाएगा डेटा लेने, विलेज में, वो गाँव के बाहर बैठ के ही डेटा भर दिए, बिल लगा दिया, गाँव में गए थे वहाँ का डेटा का इतना पैसा लगा, उनको जाने आने का पैसा दे दो, हो गया। ये सब बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है, ये खाली इंडिया में नहीं है, ये बहुत सारे जगहों पे देखी गई है कि डेटा कलेक्शन ही सही तरीके से नहीं हो पाता, लोग अपने अनुमान के हिसाब से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। आप किसी को दे दो कि आप जाओ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा कलेक्ट करके आओ, वो क्या करेंगे, अनुमान लगा देंगे अपने से ही और करेंगे हाँ देखो ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। मेहनत ही नहीं करना चाहते, सीरियस ही नहीं है डेटा के इंपॉर्टेंस को, वो समझते ही नहीं है। वो जब डेटा के इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं है तो वो डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास प्राइमरी डेटा जो आता है वो एकदम बायस डेटा होता है, डिसऑनेस्ट डेटा होता है, जिसके वजह से हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लॉ आर नॉट एग्जैक्ट,
As far as two fundamentals law are concerned with the statics, law of inertia of a large number, law of static regularity are not good as they are science law. They are based on the probability so that the result which not always be good or scientific laws on the basis of the probability or the interpolation. We can only estimate the production of the paddy in the 2007 but cannot make the claim that it would be exactly 100%. Here only approximates are made. तो यहाँ पे सब कुछ approx में होता है, ये भी एक बड़ी problem है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि law of inertia of large data, law of inertia क्या है कि हम पहले से मान लेते हैं डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, और डेटा तो बड़ा होता ही है, किसी एक आदमी का डेटा तो लेने गए नहीं है, पूरे एक लोकेशन का डेटा लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा आते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं कि इतना परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये डेटा सही होगा, इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी कि ये डेटा इतना होगा, तो सारा कुछ तो प्रोबेबिलिटी पे ही चल रहा है। तो जब चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे चल रही तो कोई भी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं है, तो आपके डिसीजन भी एग्जैक्ट नहीं है, सारा कुछ हवा में चल रहा है, सब प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। तो इसलिए जब तक हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, रिलेवेंट डेटा नहीं होगा, जेन्युइन डेटा नहीं होगा, तब तक स्टैटिक्स कहाँ से परफेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो यही है, ये भी एक बड़ी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। एज डिस्कस अबव देयर आर द रिजल्ट आर इंटरपोल्ड एंड फॉर विच टाइम सीरीज और रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज, देयर आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रू। इफ एवरेज ऑफ टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिक्स इज सेम, इट डज नॉट मीन्स ऑल द 50 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड हैज गॉट द सेम मार्क्स इन सेक्शन बी। देयर मे बी मच वेरिएशन बिटवीन द टू, सो वी एवरेज रिजल्ट। स्टैटिक्स लार्जली डील्स विद द एवरेज एंड दीज एवरेज मे बी मेडअप ऑफ इंडिविजुअल आइटम radically different from each other। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम लोग स्टैटिक्स में ज़्यादातर एवरेज पे वर्क करते हैं, तो दो क्लासरूम है, क्लासरूम ए क्लासरूम बी, और दोनों का एवरेज 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स आ गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब सारे क्लास में सारे बच्चे 90 ही पाए होंगे, ठीक है, कुछ वहाँ पे 75 कुछ 85% नंबर पाने वाले बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं एवरेज पे जो हम पूरा डिपेंडेंट होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है स्टैटिक्स की, ठीक है, कि ये सब चीज़ें अगर हम इस चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो हम उस तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाते, हर एक आदमी को टच नहीं कर पाते। हमको पता है कि इसका भी क्लास एवरेज 90 आ रहा है, इसका भी क्लास एवरेज 90% आ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करने की। ठीक तो है 90, हो सकता है उतने अब 75 वाला एक बच्चा बैठा हो जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसको सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन स्टैटिक्स बोल रहा है भाई सब 90 हैं, दोनों ग्रुप में 90 वाले बच्चे हैं, कोई ज़रूरत नहीं सिखाने की। तो ये भी एक चीज़ है कि एवरेज पे आप जब केवल काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपसे इग्नोर हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं तो उस कंडीशन पे फिर आपका डेटा गड़बड़ी है, स्टैटिक्स के लिमिटेशंस में आ गए आप। नेक्स्ट आते हैं, टू मैनी मैथड्स टू स्टडी प्रॉब्लम। In this subject, we use so many methods to find a single result. Variation can be found by quartile deviation, mean deviation, standard deviation, and result vary in each case. In such, not assume that the statics is the only method to use in the research. Need should be this method of considered and the best attack of the problem. अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैटिक्स में हमारे पास मेथड्स बहुत सारे हो चुके हैं जिसके वजह से जो हमारे वेरिएशंस जो हैं बहुत ज़्यादा दिखते हैं। कोई भी एक डेटा पे अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन लगाते हो और स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हो तो तीनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। अब कौन सा आपको पसंद आया आप जज कर लिए, मुझे जो पसंद आया मैंने कर लिया, सामने वाले को जो पसंद आया उसने कर लिया, तो एक्यूरेसी तो कहीं दिख ही नहीं रही है ना। मेथड सब अपने अपने लगा रहे हैं, रिजल्ट के भी सब अपने अपने आ रहे हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन ही है। एक मेथड होता प्रॉब्लम नहीं होती, इतने सारे मेथड्स हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किस मेथड को चूज़ किया जाए कोई कंफर्मेशन नहीं,
तो ये भी एक प्रॉब्लम्स में, मतलब एक लिमिटेशन है स्टैटिक्स का. नेक्स्ट है, स्टैटिकल रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड अ डाउट. स्टैटिक्स डील्स ओनली विद द मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स दैट देयर आफ्टर सम सेल्डम्स गिव्स द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. दे प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ द जजमेंट बट नॉट द होल जजमेंट. प्रोफेसर आलर कॉर्नर. ऑल दो, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्टैटिक्स जो है उसके संग दिक्कत एक और क्या है कि आप रिजल्ट तो दे देते हो लेकिन डाउट हमेशा रहता है क्योंकि डेटा प्रोबेबिलिटी बेस है, डेटा 100% नहीं है. आप किसी तरीके से रिजल्ट पे पहुंच जाते हो लेकिन आपके रिजल्ट पे डाउट हमेशा बना रहता है. तो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन है हमारे स्टैटिक्स का. इसीलिए स्टैटिक्स को हम लोग बोलते हैं कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम नहीं दे पाते स्टैटिक्स डेटा के बिहाफ पे. तो ये भी एक लिमिटेशन है. तो आपने देखा कि इंडिया में जो लिमिटेशंस बताई गई और जो एक यूनिवर्सल लिमिटेशन स्टैटिक्स की है ज़्यादातर सेम है. ठीक है, तो स्टडी आप पूरा करिए ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछे तो आप बता सकें. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. थैंक यू.